काफी दिनों से ना बच्चों ने ख्वाहिश की हुई थी कि हमें एक स्पेशल पार्टी चाहिए, पार्टी में क्या बनने वाला है, क्या क्या पकता है, तो वो आपको हम शेयर करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, क्या कहते हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आज हमारे घर में बनने वाला है अमीरों वाला खाना, जो अमीर लोग जैसे खाते हैं ना, आज हम भी एक अमीर होने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? हम अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक है, और अल्लाह पाक की पाक बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे व्यूअर को खुश रखे, इसी दुआ के साथ करते हैं आज के व्लॉग का आगाज। तो आज जो है ना, आपने हमारा व्लॉग मुकम्मल वॉच करना है। अभी आज जो है ना, हमारे घर में होने जा रही है छोटी सी पार्टी होने जा रही है। कितनी बड़ी, इतनी सी पार्टी होने जा रही है। तो काफ़ी दिनों से ना बच्चों ने ख्वाहिश की हुई थी कि हमें एक स्पेशल पार्टी चाहिए भी, तो वो किस खुशी में, वो आगे चल के हम आपको बताएंगे। तो आपने हमारे साथ रहना है, और आज पार्टी में क्या बनने वाला है, क्या क्या पकता है, तो वो आपको हम शेयर करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, ये देखें, खाने के लिए जो ना हम लाए हैं मटर, और इस पार्टी का ये हिस्सा है, मटर लाए हैं, और साथ में लाए हैं 3 अदद ये चपनी, और इसके साथ और क्या चीज़ है भी, और वो इधर कहाँ गया भाई, ये साथ, और ये साथ में मसाला जात है भाई, ये देखें भाई, और ये देखें, ये साथ में टमाटर जो है ना, ये इनको ग्राइंड किया हुआ है, और ये मटर शरीफ निकाले हुए हैं, ये देखें भाई, और इसके साथ और क्या क्या बनने वाला है, वो सब चीज़ें आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। तो बेगम साहिबा जो है ना, वो धड़ाधड़ पार्टी की तैयारी कर रही हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। तो आपने तो हमारा सरप्राइज ही नहीं देने दिया। नहीं, सरप्राइज़ ही है ना, क्योंकि अभी हमने ये तो नहीं ना बताया कि ये किस खुशी में और ये क्या आज बनने वाला है। आगे चल के व्यूअर खुद इसको देखेंगे, वॉच करेंगे। तो अब आपकी देर है, सिर्फ आपकी कितनी देर है कि आप खाना बनाएंगे तो पार्टी शुरू होगी। वो क्या कहते हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ऐसा ही है ना। आज हमारे घर में बनने वाला है अमीरों वाला खाना, जो अमीर लोग जैसे खाते हैं ना, आज हम भी एक अमीर होने वाले हैं। बंदे का दिल अमीर होना चाहिए, बंदे के पास पैसा हो या ना हो, क्यों जी, ऐसा ही है। हाँ, बंदे का खाना जैसा भी होता है ना, बहुत अच्छा होता है। हाँ, बंदे का अल्लाह पाक रिज़्क दे देता है ना। हाँ जी, वो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, वो बहुत खुश नसीब होता है जो अल्लाह पाक के दिए रिज़्क से खाता है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक अपने दरवाजे से दे रहा है। और आज जो है ना, हम स्पेशल खाना बनाने वाले हैं, तो वो इस तरह जैसे कहे शादियों में नहीं बनाया जाता उस तरह का खाना। अच्छा, आपने उस तरह का खाना बनाना है, ठीक है, इंतजार करें ना फिर। इंतजार ही इंतजार के सिवा हम क्या कर सकते हैं भाई? वो जो होते हैं ना, बनाने में काफी टाइम लगता है वैसा खाना तो। अच्छा, आप तो उन मेहमानों की तरह इंतजार करें। कोई बात नहीं, अभी जो है ना टाइम भी काफी पड़ा है, तो हम इंतज़ार कर लेंगे, आप बस ना जल्दी से, बाकी सामान हो गया है। हाँ। और ये सिर्फ मसाला जात को थोड़ा सा जो है ना रह गया है, मसाला बना कर ना फिर उसके बाद आप ये करें, मैं जो अड्डे से सामान लाने वाला है ना, वो मैं लेकर आऊँगा जी। तो बेगम साहिबा जो है ना, वो किचन में तशरीफ़ ले आई हैं भाई, और खाने का जो है ना, वो टाइम शुरू हो चुका है तकरीबन। तो सबसे पहले आपने क्या करना है भाई, मसाला वगैरह तो बन गया है। हाँ, मसाला मैंने बना लिया, अभी कुछ रह गया है। हाँ, तो अब क्या रह गया? अब ये जो है ना, ये ग्राइंड करने वाले रह गए हैं, और चिकन हमारा जो है वो भी तैयार। अच्छा, चिकन भी है साथ में, वाह बेगम, माशाल्लाह, मज़ेदार जी, बोटियाँ जी, बोटियाँ। आज तो भाई आज कल स्पेशल ही पार्टी होने वाली है। ये काफ़ी दिनों से ना बच्चों की फरमाइश चल रही थी कि हमें इस तरह का जो है ना, वो खाना चाहिए, हमने खाना है। तो आज संडे था, तो हमने सोचा कि आज संडे है, तो भाई इनकी संडे पार्टी कर देते हैं भाई। तो बेगम साहिबा ने हमारी ड्यूटी लगाई है जी चिकन बनाने की, चिकन बनाते हैं। छोटे छोटे पीस बनाते हैं,
तो चिकन हमारा जी रेडी हो चुका है और अब इसको वॉश किया जा रहा है। आपका काम खत्म हो गया था ना इसलिए? हाँ भाई, आपका काम अब शुरू है, मेरा काम खत्म हो गया। तो सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे। बच्चे आ गए हुए थे ट्यूशन और बच्चों के लिए जो है ना सरप्राइज, मैंने सोचा क्योंकि बच्चे काफी दिनों से ना सोच रहे थे कि हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया, पार्टी वगैरह नहीं की, तो बच्चों के लिए सरप्राइज है क्योंकि वो ट्यूशन गए हुए हैं और हमारी जो सीरत फातिमा और रुआ फातिमा वो हमारे साथ हैं। तो आज हमारा जो है वो गर्म हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे प्याज। और अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट और अब इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर, सूरख मिर्चें और साथ में नमक और ये गरम मसाला और सूखा धनिया वगैरह है ना वो मैंने पीस कर रखा था वो इसमें डालेंगे। और अब इसमें पानी हल्का सा लगाते हैं और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। आज हम जो है ना वो दही के बगैर ग्रेवी बनाने का आसान तरीका है, कहीं से दही नहीं भी मिलता, वो बहुत ही परेशान होते हैं दही नहीं और ग्रेवी नहीं बनेगा, इसलिए मैंने सोचा कि आज आपसे ये रेसिपी शेयर करती हूँ कि दही के बगैर ग्रेवी कैसे बनाई जा सकती है। वो माशाल्लाह से जो चिकन है ना वो हमारा तैयार होने के मराइल में दाखिल हो चुका है और जो है ना मसाला वो भुना जा रहा है। मसाला भून कर तैयार हो चुका है और अब इसमें मैं डालने लगी हूँ ग्रेवी बनाने के लिए चटनी को ग्राइंड किया है। वैसे तो आपको कद्दू भी बाजार से मिल जाए तो वो भी चल सकते हैं ग्रेवी बनाने के लिए, इससे ग्रेवी बहुत मज़े की बनती है। दही के बगैर आसान तरीका है ग्रेवी बनाने का। हाँ वैसे दही के बजाय ये ग्रेवी बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, किसी जगह से दही नहीं भी मिलती तो ये परेशानी खत्म हो जाएगी। तो बच्चे ट्यूशन पढ़कर आ गए भी, आज आपकी फरमाइश पर जो है ना वो चिकन तैयार किया जा रहा है और साथ में और क्या खाना है ना साथ? नान है, नान खाने तो फिर हम बाजार से नान ले आए। चलो ठीक है, आप अपनी मम्मा के साथ हेल्प करवाएं, ये खाना बनवाएं, ठीक हो गया। तो दुआ फातिमा क्या खा रही है भाई? चिप्स खा रही तो चिप्स खा रही हो, अच्छा खाओ। तो आप अपनी मम्मा के साथ हेल्प करवाएं कामों में और मैं जाता हूँ बाजार से नान। हाँ बच्चों की ख्वाहिश थी भाई कि चिकन के साथ नान खाने हैं काफ़ी दिनों से, ऐसा ही है ना, तो आज इंशाल्लाह हम ले आते हैं। ग्रेवी जो है हमारी बहुत मज़े की तैयार हो चुकी है, आपको दिखाते हैं, ये आप देख सकते हैं जो हमने चटनी इसमें पेस्ट डाला था चटनी का वो बहुत ही प्यारा हो चुका है और बनकर तैयार हो चुका है। और अब हम इसमें डालेंगे मटर, तो मटर जो है ना वो हमारे कुछ डाल चुके हैं और ग्रेवी भी आप देखें माशाल्लाह से ना काफ़ी मज़ेदार लग रही है, आप देखें इतनी मज़े की बन रही है। और अब हम इसमें डालेंगे चिकन, चिकन हमने पहले से धोकर रखा था, बिस्मिल्लाह। आज हमारा ग्रेवी वाला जो चिकन है ना बहुत मज़े का बनने वाला है, मटर चिकन हम बनाने लगे हैं वो भी ग्रेवी वाला। थोड़ी देर के लिए इसे ढक देंगे, पानी नहीं लगाएंगे इसमें। अब मैं जाता हूँ बाजार नान लेने के लिए। माशाल्लाह से इसने अपने पानी में जो ना भून चुका है और घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी लगाएंगे
मजीद इसे घूमने के लिए। भी आप लोग भी ऐसे ऐसे ही ट्राई कर कर देखना, बहुत ही मज़े का सालन बनता है। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारी इसकी लुक आ रही है। मज़ेदार सा ग्रेवी वाला सालन जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। ये आप लोग देख सकते हैं बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े का लग रहा है। तो अब हम इसे नीचे उतारते हैं। मज़ेदार सी रेसिपी आपको नज़दीक से दिखाते हैं कैसी लग रही है हमारी। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा मज़ेदार सा जो सालन है वो हमारा तैयार हो चुका है। और अब हम इसमें डालेंगे धनिया। तो हमारा जो सालन है वो तो तैयार हो चुका है और अब हम इंतज़ार करेंगे नान आने का, कब वो आएंगे वापस। ये लो बच्चों, ये तो वापसी में पहुंच चुका हूँ और होगी ये काफ़ी देर। असल में जब किसी चीज़ की अशद ज़रूरत आना तो फिर उसमें लेट हो ही जाती है। तो आज जो है ना बस जो कहते हैं ना को जाते जाते हमें नान मिले हैं। बच्चे आपका काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। बस मुझे कुछ थोड़ी सी देर हो गई, सामान काफ़ी लेना था, थोड़ा छोटा छोटा सामान था इसलिए लेट हो गई थी। तो बस अब बाकी जो है ना सामान जल्दी से आप रेडी करें तो इंशाल्लाह खाना शुरू कर दें। ऑटो भी बच्चों, बच्चे इंतज़ार करते करते सो गए हैं। भी मोहम्मद अंस जो है ना, मोहम्मद अंस वो भी सो गया। मोहम्मद अंस उठो, ये देखें भी मोहम्मद अंस भी सो गया। मोहम्मद अंस उठाओ भी देखो, और ईमान फातिमा भी सो गई, दुआ फातिमा भी सो गई। सब इंतज़ार करते करते असल में मुझे जो है ना देर काफ़ी हो गई थी तो इसलिए जो है ना आगे जो है ना नान शॉप वाले थे ना वो छुट्टी करके जा चुके जाने वाले थे तो इसलिए सारा काम उन्होंने क्लोज कर दिया था और कुछ सामान लेना था इसलिए जो ना मजीद लेट हो गई। इधर अभी सोना नहीं, नहीं नहीं यहाँ पे नहीं सोना, उठो 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 भाई, नहीं यहाँ पे नहीं सोना, पहले खाओ, पहले ये देखो मैं क्या लाया हूँ। नान खाने आपने? ओ ये देखो भाई ये किसके लिए लाया हूँ। तो साथ में हम पार्टी जो है ना मिस हो गई, साथ में सलाद तैयार किया जा रहा है भाई। सीरत फातिमा, मान फातिमा, मानूर, ये तीनों सलाद तैयार कर रही है। सीरत आप क्या बना रहे हैं, ये क्या चीज़ बना रहे हो? इंतजार में जो सालन है ना वो भी ठंडा हो चुका है। ये देखिए आप, ये कोरमा हमारा जो है ना वो भी ठंडा हो गया। चलो भैया आप सॉरी भाई, इसको आप गर्म करें तो फिर इतनी देर आपका इंतजार हमने किया। इसमें मेरा क्या कसूर है, मैं तो आपको कहता रहा मुझे जल्दी जाने, जल्दी आप कहते हैं नहीं ये काम करा लो, ये काम करा लो। मुझे बताया था कि आपने कहां पर जाना? मैंने आपको बताया था कि बाजार से मैंने नान लेने जाना, लेट हो जाएगा। जी तो माशाल्लाह से दोबारा से हमारा कोरमा जो है ना वो गर्म हो चुका है और इसमें डाला क्या क्या है अभी? चिकन है और मटर है। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त दिखने में तो लग रहा है भाई, उम्मीद है खाने में भी बहुत ही मजे का लगेगा। ये तो आप खाकर बताएंगे ना। ये जो ऊपर मजीद इसकी खूबसूरती के लिए धनिया लगाया जा रहा है। आपके मुंह में से पानी आ रहा है? मेरे से जो है ना वो गुजारा नहीं हो रहा, मुझे अभी भूख लगी हुई है। मैं कहता हूँ जितनी इंतजार किया है ना आपका, जितनी जल्दी हो सके चलो बंदा खाना खाए क्योंकि ऐसा खाना देखकर मजीद बंदे की भूख जो है ना वो चमक जाती है। आपको भूख लगी है? किसको भूख लगी है? सबको भूख लगी है, सीरत फातिमा को भूख नहीं लगी। आप सो जाए, सो जाए, मेरे साथ खानी है। अच्छा बैठ जाए, ये देखे भी दरमियान में बैठ गई है। अच्छा चलो भी खाए, नान ठंडे तो नहीं हो गए? नान तो गर्म है, बच्चे ठंडे हो गए। नहीं अभी माशाल्लाह, क्योंकि मैं जब दस्ती लगवा के जब लगे हैं ना तो मैंने फौरन निकलने की है। दुआ फातिमा जो है ना वो काफी देर से मचाती रही और फिर सो गई। जी तो माशाल्लाह खाना हमारा तैयार हो चुका है और साथ में सलाद है। माशाल्लाह आज है जी जिसको बोलते हैं ना वो
अमीरों वाला खाना माशाल्लाह। चलो बिस्मिल्लाह करें। माशाल्लाह टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा खाना बना है, जबरदस्त। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। जिस तरह हमारी कोशिश थी उस तरह आपको आज का व्लॉग हम दिखा नहीं सके देर होने की वजह से। तो मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग में अल्लाह ताला की किसी और नेमत के साथ। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। जिन बहन भाइयों को हमारा आज का व्लॉग पसंद है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।